हेलो फ्रेंड्स, उद्धव ठाकरे हैज़ नाउ गिवन अ बिग चैलेंज टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह. यस फ्रेंड्स, एंड ऑन अदर साइड बीजेपी हैज़ नाउ गिवन अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू उद्धव ठाकरे. सो इन अ रैली ऑन वेनसडे, उद्धव ठाकरे स्पीकिंग टू हिज शिवसेना वर्कर्स टारगेटेड बीजेपी. एंड नॉट ओनली दिस, उद्धव ठाकरे ऑल्सो गेव अ चैलेंज टू अमित शाह सेइंग दैट इफ ही हैज़ गट्स then he should defeat Uddhav Thackeray in the upcoming BMC elections. He also said that Eknath Shinde should also resign and once again election should be taken, at the same time targeting the deputy chief minister of Maharashtra. Uddhav Thackeray said that this upcoming election will be the last election of deputy chief minister Devendra Fadnavis. And now Devendra Fadnavis has given a strong reply to Uddhav Thackeray. So let us see what Devendra Fadnavis said about Uddhav Thackeray. कल के भाषण में उद्धव ठाकरे जी की निराशा बोल रही थी. मेरा उनसे सवाल है, जब वो कहते हैं कि इस्तीफा दो, चुनाव लो, अरे 2019 में आप मोदी जी का फोटो दिखा दिखा कर बीजेपी के साथ चुनकर आए थे और फिर बीजेपी की पीठ में खंजीर घोप कर जब कांग्रेस एनसीपी के साथ गए तब इस्तीफा देकर चुनाव क्यों नहीं लिया, तब क्यों सीधा चले गए? और इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का अंतिम चुनाव होगा, उनको मैं इतना कहना चाहता हूं, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है. आपने 2.5 साल कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर मुझे समाप्त करने की पूरी कोशिश कर ली, आप तब भी समाप्त नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओ.